हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि एचपी बीएड के 7 अक्टूबर से एग्ज़ाम लग रहे थे, लेकिन इसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में जानते हैं कि कब से अब लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। एचपी शिमला ने बदला बीएड परीक्षाओं का शेड्यूल, जाने नहीं दी थी। तो हिमाचल विश्वविद्यालय ने बीएड डिग्री कोर्स की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अधिसूचना के साथ नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसे बीवी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। 7 अक्टूबर से प्रदेश के अधिकतर बीएड कॉलेजों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में परीक्षु रेगुलर कोर्स में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएँ देंगे। ICEOL इक्डोल से बीएड करने वाले परीक्षु पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने माना कि यूजीसी नेट और कमीशन की परीक्षाओं में बीएड की परीक्षाओं के साथ क्लैश होने के कारण शेड्यूल में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थी बीवी की वेबसाइट में संशोधित शेड्यूल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब संस्कृत कॉलेज सोलन में होगी परीक्षा। बीवी ने बीएड की परीक्षा देने वाले 300 परीक्षार्थियों के लिए सोलन डिग्री कॉलेज में बनाए परीक्षा केंद्र को बदल दिया है। अब बीएड की परीक्षा के लिए संस्कृत कॉलेज सोलन को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसको लेकर वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब एचपी की साइट पर जाके डेट देख सकते हैं और 3 अक्टूबर से पहला एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।